राधे राधे आप सभी को। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये एक नारियल से मैंने बनाया बहुत सारा लड्डू। ये देखिए कितना सारा है, ये बस एक नारियल से है। आप देख सकते हो ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा था ये। देखिए मैं एक तोड़ कर दिखाती हूँ अंदर से कितना जूसी है। ये बहुत अच्छा बनता है और कम सामान में बन जाता है। आप सब भी बनाइए, जैसे होली आने वाला है फिर नवरात्रि भी आने वाली है तो आप सब बनाइए। तो मैंने एक नारियल लिया है, उसे मैंने इस तरह से छील लिया है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप घिस कर डाल सकते हो, नहीं तो आप पीस लीजिए, सबसे अच्छा है, कम समय में बन जाएगा। तो इस तरह से ऊपर का पार्ट मैंने हटा लिया है और सभी को पीसेस काट लिए हैं छोटे छोटे, और इन सबको मैं पीस लूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू थोड़े से बादाम डाले हैं, अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो ये मैंने बारीक पीस लिया है। इधर मैंने दूध चढ़ाया है गर्म होने के लिए, दूध को मुझे जलाना है। तो ये देखिए ये इस तरह से पीस लेना है। तो दूध को मैंने आधा लीटर से ज़्यादा चढ़ाया था, एक लीटर से थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पर जला कर मैंने आधा से भी कम कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये मिलाते हुए, छोड़ना नहीं है, अभी ये नीचे से लगने लगता है। तो इस टाइम पे आके मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये लगभग हो ही गया था। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। और आप इसमें गुड़ या चीनी कुछ भी डाल सकते हो, आप इसमें खजूर पीस कर वो भी डाल सकते हो तो उससे भी मीठा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे ठंडा होने के बाद गोल गोल लड्डू बना लेती हूँ। इस तरह से बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है, अभी त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है तो आप सब भी बनाइए। और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है, एक नारियल और थोड़े से दूध में बहुत ही अच्छा मिठाई बनकर तैयार हो जाता है। बाज़ार से तो अच्छा है, आप बाज़ार से लाने के बजाय घर में इस तरह से बना लीजिए, बच्चे भी अच्छे से खाते हैं और ये सच में बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से बनाइए और इन्जॉय कीजिए।